सोना दिया सोनार को, पायल बना दिया, लोहा दिया लोहार को, हथौड़ा बना दिया, वोट दिया मोदी जी को, हाथ में कटोरा थमा दिया। आप एक बात बताइए, क्या मोहन भागवत जी का नाम पहले इमरान हुसैन था का, इमरान ताहिर था, जो बदल करके मोहन भागवत रख लिए? बिल्कुल। इस देश में अतिवादी और तालिबानी लोग 2014 में एंट्री हुई थी, जिस दिन मोदी जी ने प्रधानमंत्री का शपथ लिया था उसी दिन इस देश में तालिबानी और अतिवादी लोग एंट्री कर गए थे, तभी से हमारे देश की खूबसूरती डूब गई है ना। मोदी ने शपथ ग्रहण तालिबान की सरकार है, बिल्कुल। इस देश में हिटलर शाही, तानाशाही और तालिबानों की सरकार है, जो देश का नौजवान रोजगार मांगेगा तो टुकड़े टुकड़े गैंग हो जाएगा। किसी का बाप का देश नहीं है, यह देश आपका बाप का नहीं है, किसी का बाप का नहीं है कि जो मर्जी सो करेगा। अब जवाब दिया जाएगा इन दंगाइयों को, इन टुकड़े टुकड़े गैंग को। संविधान को ताक पर रख दिया गया, इस बात को मानिए आप। देखिए राहुल गांधी कितना ख्याल रखते हैं स्मृति ईरानी का, मोदी जी अब छोड़ दिए तो राहुल गांधी ख्याल रख रहे हैं। जौला गांव में भारतीय जनता पार्टी का समर्थक, आरएसएस का समर्थक मांस का टुकड़ा मंदिर में फेंकता है मुजफ्फरनगर में दंगा कराने के लिए। डरा है तभी तो कर रहा है, बीजेपी डरी है तभी तो कर रहा है। अरे तेरा बाप का औकात था, मुजफ्फरनगर तो पहुंचे थे, 5 लाख भीड़ पहुंचा था, तुम्हारे छाती पर चढ़ गए और वहां से हुंकार किए कि ये ढोंगी को भगाया जाएगा। गाजीपुर पहुंचती है, बोलती है किसानों का आखिरी रात, तो किसानों ने बोल दिया मुजफ्फरनगर में मैडम आखिरी आपका दिन। क्या अल्लाहु अकबर नारे से आपको परेशानी है? आपको परेशानी है जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और बजरंग दल के लोगों को परेशानी है और टेंशन बढ़ गई कि एक हिंदू होकर राकेश टिकेट अल्लाहु अकबर बोल सकता है, शौकत अली मुसलमान होकर हर हर महादेव बोल सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी पार्टी के लोगों का टेंशन बढ़ चुका है। कब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग मिल चुके हैं इस भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। यही तो मुजफ्फरनगर 2013 के अंदर हिंदू मुस्लिम करके दंगा कराने का काम किया भारतीय जनता पार्टी के लोग, और वहां पर हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का काम किया था। उस एकता को तोड़ने के बाद वहां पर हिंदू मुस्लिम आपस में बट गए थे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी वहां कामयाब होने में सफल रही। लेकिन इस बार मुजफ्फरपुर के मुजफ्फरनगर की जनता ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोगों ने मिलकर इस बार तय किया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर से भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। और उत्तर प्रदेश ही नहीं, 5 राज्यों में चुनाव है, 5 राज्यों में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे और वहां की जनता से बताएंगे कि हमने बीजेपी को वोट दिया था, बीजेपी ने हमको सड़क पर लाने का काम किया। देश के तमाम हिस्सों में जाएंगे और देश की जनता से बताएंगे, सोना दिया सुनार को, पायल बना दिया, लोहा दिया लोहार को, हथौड़ा बना दिया, वोट दिया मोदी जी को, हाथ में कटोरा थमा दिया। देश की जनता को बताएंगे कि आप भी भारतीय पार्टी को वोट देते हैं तो आप भी सड़क पर आने के लिए तैयार रह जाइए, आप भी कटोरा लेने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है केवल अडानी और अंबानी और पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का, और इस देश के गरीब लोगों को और गरीब बनाने का इतिहास रहा है। आप बताइए ना, अडानी कंपनी ग्रुप 15 रुपए कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में सेब खरीद रहा है, लेकिन वही सेब मार्केट में लाकर 100 रुपए किलो बेचने का काम करेगा, 100 रुपए केजी बेचने का काम करेगा, 200 रुपए केजी बेचने का काम करेगा। वही ये सरकार चाहती है कि तीनों कृषि कानून देश में लागू करके किसानों से 10 रुपए गेहूं खरीदेंगे, 15 रुपए चावल खरीदेंगे, लेकिन मार्केट में उसको 150-150 रुपए 100-100 रुपए चावल बेचने का काम करेंगे। लेकिन देश की जनता समझ चुकी है अब बीजेपी के गुमराह में नहीं आने वाली है, मोदी जी के बहकावे में नहीं आने वाली है, बल्कि इस भारतीय जनता पार्टी का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और यह गूंगी बहरी सरकार को इस देश से उखाड़ फेंक दिया जाएगा। अभी जिस तरह से महापंचायत के एक दिन के बाद मोहन भागवत का बयान आता है, वो कहते हैं कि इस देश का मुसलमान हिंदू है और उनके पूर्वज हिंदू थे और जो मुस्लिम अतिवादी हैं तो उसके लिए उनसे दूरी बना के रखते हैं। आप एक बात बताइए, क्या मोहन भागवत जी का नाम पहले इमरान हुसैन था का, इमरान ताहिर था, जो बदल करके मोहन भागवत रख लिए?
अब इससे क्या सीध होता है? बिल्कुल उन्होंने कहा कि गंदी लोगों से दूर रहिए, बिल्कुल मैं भारतीय जनता पार्टी से दूर होना चाहता हूं, मैं वैसे लोगों से दूर होना चाहता हूं जो जय श्री राम का नारा लगाकर इस देश के गरीब मुसलमानों को मारने का काम कर रहे हैं, गरीब लोगों को मारने का काम कर रहे हैं, चूड़ी बेचने वाले को मारने का काम कर रहे हैं, कानपुर के अंदर रिक्शा वाले बैटरी चलाने वाले रिक्शा वाले को मारने का काम कर रहे हैं, मुजफ्फरनगर के अंदर दंगा कराने वाले को लोगों से दूर होना चाहते हैं, झारखंड के अंदर तबरेज अंसारी को मारने वाले लोगों से लोगों की पहचान आपने कर ली, बिल्कुल। इस देश में आतंकवादी और तालिबानी लोग 2014 में एंट्री हुई थी, जिस दिन मोदी जी ने प्रधानमंत्री का शपथ लिया था उसी दिन इस देश में तालिबानी और अतिवादी लोग एंट्री कर गए थे, तभी से हमारे देश की खूबसूरती डूब गई है ना। मोदी ने शपथ ग्रहण तालिबान की सरकार है, बिल्कुल इस देश में हिटलर शाही, तानाशाही और तालिबानों की सरकार है। जो देश का नौजवान रोजगार मांगेगा तो टुकड़े टुकड़े गैंग हो जाएगा, जब महिलाएं अपने हक और अधिकार के लिए आंदोलन करेगी तो पाकिस्तान परस्त हो जाएंगी, जब किसान आंदोलन करेगा तो खालिस्तानी पाकिस्तानी हो जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे? तालिबानी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? यही भारतीय जनता पार्टी के लोग और नरेंद्र मोदी के समर्थक किसानों को गाली देने का काम कर रहे थे, एनआरसी का आंदोलन हो रहा था तो महिलाओं को गाली देने का काम कर रहे थे, युवा रोजगार मांगता है तो उसको गाली देने का काम कर रहे हैं, और मोदी जी फेविकोल लगा के चिपक के बैठे हुए हैं। अरे भाई, इस देश के मुसलमानों को गाली दिया गया, आप काहे नहीं माफी मांगे देश के मुसलमानों से? मोहन भागवत ने बोला ना, मोहन भागवत तो बोल तो रहे हैं, क्या है मोहन भागवत जिस देश के प्रधानमंत्री हैं, कह तो रहे हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री हैं, कह तो रहे हैं डरने की जरूरत नहीं है इस देश के, क्या है किस काहे के लिए डरेंगे हम, कहे के लिए? आपके मेहरबानी पर हैं हम इस देश में, ये देश में हम रुके थे बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान देखकर, जो संविधान सबको अधिकार देता है इस देश में रहने का और सबको अपनी अपनी धर्म मानने का आजादी है इस देश में। पत्रकार महोदय सुन लीजिए, यह देश मनुस्मृति से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा, यह किसी का बाप का देश नहीं है, यह देश आपका बाप का नहीं है, किसी का बाप का नहीं है कि जो मर्जी सो करेगा। अब जवाब दिया जाएगा इन दंगाइयों को, इन टुकड़े टुकड़े गैंग को, इन भाजपाइयों को, इन आरएसएस वालों को जो किसी को गाली देने का काम करेंगे। क्या लगता है संविधान से नहीं चल रहा क्या देश? आज बताइए ना, संविधान है कहाँ? संविधान को, लोकतंत्र को, कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर हर काम को किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाएं जब नॉमिनेशन करने जाती हैं तो उसका दुपट्टा छीन लिया जाता है, जब लोग सड़क पर आते हैं तो निहत्थे लोगों पर गोली चला दिया जाता है, बच्चों पर गोली चला दिया जाता है। अमिताभ ठाकुर पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, पूर्व आईजी रह चुके हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, वो बोलते हैं कि भाई साहब हमको एफआईआर कॉपी दिखा दो, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस और योगी सरकार की पुलिस एफआईआर नहीं दिखाती है, बल्कि उनको घसीट कर ले जाने का काम कर रही है। इसको क्या कहेंगे? लोकतंत्र कहेंगे क्या? संविधान को ताक पर रख दिया गया, इस बात को मानिए आप। कब से ये देश का संविधान खतरे में पड़ा? 2000 ये लोग जो हिंदू खतरे में बताते हैं ना, ये देश का संविधान खतरे में है, ये देश खतरे में है। जिस दिन नरेंद्र मोदी ने इस देश में शपथ लिया है उस दिन से हमारी देश की हर व्यवस्था आज चौपट हो चुकी है, चाहे अर्थव्यवस्था की बात कीजिए, चाहे रोजगार की बात कीजिए, चाहे महंगाई की बात कीजिए, या महिला सुरक्षा की बात कीजिए, या किसानों की आय की बात कीजिए, आज देश में हर चीज चौपट है। ये सरकार नकारी है, ये सरकार झूठी है, ये सरकार झूठी सपना दिखाने वाली है। ये सरकार कहती थी बहुत हुआ युवाओं की मार, अब की बार मोदी सरकार 2 करोड़ सरकार रोजगार देने का वादा की थी लेकिन रोजगार खाने का काम किया, महंगाई कम करने का वादा की थी लेकिन महंगाई आसमान पर पहुंचा दिया। एक बात जानते हैं पत्रकार महोदय, स्मृति ईरानी गई थी उत्तर प्रदेश, लस्सी पी रही थी घटर घटर, और लस्सी वाला से पूछ रही थी कि राहुल गांधी जी आपके पास आपके दुकान पर लस्सी पीने आए थे, तो लस्सी वाला जानते हैं क्या बोला था? बोला हाँ आए थे, वो 10 रुपए का लस्सी का 20 रुपए दे के गए, और उन्होंने कहा कि एक मैडम है मुटकी मैडम स्मृति ईरानी, लीजिए 10 रुपया मेरा और 10 रुपया वो पीने आएगी उनका दे दीजिएगा। देखिए राहुल गांधी कितना ख्याल रखते हैं स्मृति ईरानी का, मोदी जी अब छोड़ दिए हैं तो राहुल गांधी ख्याल रख रहे हैं, ख्याल तो करना पड़ेगा मैडम का भाई, वो कपड़ा मंत्री रह चुकी हैं, सांसद हैं, करना ख्याल तो करना पड़ेगा। सीट तो चली गई राहुल गांधी की, अरे बाद वहां से जीत गए नहीं भाई राहुल गांधी, ये देखिए
जो उनके घर की सीट थी वो तो छोड़ छूट गई ना उनसे। देखिए बता रहे हैं आपको, देश में जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम का माहौल किया गया था, लोगों को गुमराह किया गया था, मुद्दे से भटकाकर 2019 का चुनाव मुद्दे पे थोड़ी हुआ था। मुद्दे पे हुआ, मोदी जी तो लंबे लंबे सपना दिखाए थे, 370 हटाएंगे तो आप लोगों को कश्मीर में प्लॉट खरीदा देंगे। तो कहां प्लॉट मिला? हमको प्लॉट नहीं मिला मेरा, हमको छोड़ दीजिए, हम मियाँ जी हैं, हमारा हिंदू भाई है उसको प्लॉट दिला दीजिए, को कम से कम भाई उसको भी तो प्लॉट दिला दीजिए, वो बहुत सपना देखा था। पांडे जी भी नहीं पाए क्या? नहीं, कहाँ दिए? ये तो सरकार झूठी है भाई, ये सरकार आवारा है, नकारा है, ढोंगी है, चोर है, मवाली है। ये कहते थे मैं भी चौकीदार, कहते थे ना, तो हमको नहीं पता चला था मोदी जी चौकीदार है, हमारे नहीं है, इस देश के आम नागरिक के चौकीदार नहीं है, बल्कि अडानी और अंबानी के चौकीदार है, पौने दो आंख वाले बाबा रामदेव के चौकीदार है, हेमा मालिनी का चौकीदार है, कंगना रनौत का चौकीदार है, हमारे थोड़े चौकीदार है। कैसे उनके चौकीदार हो? देश के प्रधानमंत्री हैं आप, चौकीदार कह रहे हो? अरे भाई, कंगना रनौत का अंगना टूटता है तो उसको सुरक्षा मिल जाता है, और इस देश की महिलाओं के साथ बलात्कार होता है उसके बारे में एक टिप्पणी नहीं करेंगे, एक शब्द नहीं बोलेंगे, मनीषा के बारे में नहीं बोलेंगे, राबिया के बारे में नहीं बोलेंगे, जो बलात्कार घटनाएं घट रही है उसके बारे में नहीं बोलेंगे, कंगना रनौत के बारे में बोलेंगे, कहेंगे झांसी की रानी है। अरे झांसी की रानी तो इमरान हाशमी के बेड में रोमांटिक सीन कर रही है, वही झांसी की रानी है। इस तरह से झांसी की रानी को बदनाम मत करो अंधभक्तो, बेकूफो, मोदी के चमचो। अरे भाई, इमरान हाशमी के बेड रूम में ही अच्छी लगती है कंगना रनौत, उनको झांसी की रानी मत बनाइए, समझे? और पत्रकारिता कीजिए, ज्यादा दलाली मत कीजिए। क्या लगता है महापंचायत जो हुई उसके बाद से बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर डर का माहौल पैदा हो गया है? अरे भाई, आपने देखिए ना, मुजफ्फरनगर के अंदर जौला गांव में भारतीय जनता पार्टी का समर्थक, आरएसएस का समर्थक मांस का टुकड़ा मंदिर में फेंकता है मुजफ्फरनगर में दंगा कराने के लिए। डरा है तभी तो कर रहा है, बीजेपी डरी है तभी तो कर रहा है। योगी जी कहते थे किसान यूपी आके दिखा दिए, अरे तोरा बाप का औकात था, मुजफ्फरनगर तो पहुंचे थे, 5 लाख भीड़ पहुंचा था, तुम्हारे छाती पर चढ़ गए और वहां से हुंकार किए कि ये ढोंगी को भगाया जाएगा, इसको गोरखपुर भेज दिया जाएगा घंटा डोलाने के लिए। कुछ किए क्या योगी जी? खाली लोग बतिये अलम है, खाली लंबी लंबी बातें करते हैं और कुछ नहीं, मतलब हराने के एकदम पक्का प्लान बना। अरे बिल्कुल, इस देश से कह तो दिए, पत्रकार महोदय सुन लीजिए, इस देश से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किसान पहुंचे थे, और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जहां चुनाव होगा वहां भारतीय जनता पार्टी को हराया जाएगा, वहां से जमानत जब्त कराया जाएगा, बीजेपी का उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जो सरकार इस देश के आम नागरिकों के बारे में नहीं सोचती है वो सरकार देश में शासन नहीं करेगी। एक और मजेदार बात सुनिए, चित्रा त्रिपाठी है आज तक का चैनल, एकदम गोरी लड़की है, क्यों क्यों उनको भगाया? सुनिए ना, सुनिए बात को समझिए पहले, एकदम पाउडर क्रीम लगा लेती है, स्टेडियो में बैठ के क्या बोलती है, गाजीपुर पहुंचती है, बोलती है किसानों का आखिरी रात, तो किसानों ने बोल दिया मुजफ्फरनगर में मैडम आखिरी आपका दिन, किसानों ने भी मुजफ्फरनगर से किसान महापंचायत से भगाने का काम किया, और यह संदेश दिया उन मीडिया वालों को कि तुम स्टेडियो में बैठकर तुम समाज के लोगों में नफरत बोओगे, जो बोओगे तो सड़क पर तुमको वही काटना पड़ेगा। तुम पत्रकार को खदेड़ हो गया। बिल्कुल भाई अंजना, हम कश्यप रोड पे आने दीजिए ना, रेला जाएगी, सविता तिवारी, रूबिका लियाकत, तमाम लोग जो दंगा फसाद की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, इस देश की महिलाओं के बारे में नहीं, अफगानिस्तान की महिलाओं की बात करते हैं, कानपुर की नहीं, तालिबान की बात करते हैं, वो ऐसे लोगों को खदेड़ा जाएगा इस देश से, इस बात को आप समझ लीजिए।